नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुन्नू की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं महेश कुलेरी आप सबके सामने करंट अफेयर्स के जो नवीनतम प्रश्न हैं वो लेकर एक बार पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों, हम बात करते हैं पहले प्रश्न की ओर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और हमारे सामने जो ऑप्शन है वो जसवंत राठी, संजय कुमार श्रोत्रिय, एनसी त्रिपाठी, एस के घोष। अगर हम बात करें, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा संजय कुमार त्रोत्रेय, जो है वो आरपीसी के नए अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो हम कहते हैं इनसे पहले जो आरपीसी के अध्यक्ष थे वो थे भूपेंद्र सिंह यादव जो हैं वो इनसे पहले आरपीसी के अध्यक्ष थे। दूसरी हम बात करते हैं कि आरपीसी जो है ये अनुच्छेद 315 के तहत आरपीसी का क्या क्या गठन किया, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो राज्य में योग्य लोक सेवकों को नियुक्त करने के लिए अनुच्छेद 315 के तहत विभिन्न राज्यों में जो है वो लोक सेवा आयोग की क्या की गई, गठन किया गया। अगर हम बात करें कार्यकाल तो 6 वर्ष या 62 साल जो भी पहले हो वो उनमें क्या किया जाता मान्यता। अगर हम बात करें कि आरपीएससी का प्रथम जो है वो अध्यक्ष कौन थे, तो हम कहते हैं कार्यवाही के जो अध्यक्ष थे वो तो न्यायाधीश एस के घोष थे। सबसे पहले जो अध्यक्ष रहे थे वो एस के घोष रहे थे। अगर हम बात करें कि इनके नियमित जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे, तो हम कहते हैं इनके नियमित जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, हम कहते हैं एनसी त्रिपाठी जो है वो 1950 में इसके नियमित जो है वो क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। दूसरी हम बात करते हैं कि इसके गठन कब हुआ आरपीसी का, तो 20 अगस्त 1949 में जयपुर में इसका गठन किया गया और एक समिति है सत्यनारायण देव समिति और उसकी सिफारिश पर सत्यनारायण राव समिति जो है इसकी सिफारिश पर ये जो आरपीसी है ये कहाँ पे स्थानांतरित कर दी, अजमेर में स्थानांतरित कर दी गई। और हम कहते हैं कि वर्तमान में कार्यवाहक जो अध्यक्ष थे वो जसवंत राठी थे, उन्होंने संजय कुमार को जो है वो आरपीसी की अध्यक्ष की जो है वो कमान जो है वो क्या की है, सौंपी है। तो ये हमारा हो गया सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आरपीसी का। उसके बाद में ओरांग्स माउंटेन किस देश में स्थित है, और हमारे सामने उत्तर है मोरक्को, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चिली। अगर सही प्रश्न की बात करें तो ये किस उत्तर की बात करेंगे, तो ये ब्राजील में है। सबसे पहले माउंटेन जो है वो तीन प्रकार के माने जाते हैं, एक तो होता है वलित माउंटेन, एक होता है ज्वालामुखी माउंटेन, और एक जो होता है ब्रह्मसोत पर्वत या ब्रह्मसोत माउंटेन। तो तीन प्रकार के पर्वत होते हैं। तो ओरांग जो माउंटेन है वो प्रसिद्ध क्यों है, उसके पीछे कारण है कि ओरांग जो माउंटेन है ब्राजील के दक्षिण पूर्वी जो भाग है वहाँ पे अवस्थित है। और इस माउंटेन की जो विशेषता है कि ये जो माउंटेन है ये बाढ़, भारी वर्षा आदि के कारण जो वो चर्चा में रहा है, और यहाँ पे लगभग 90 जो पर्यटक है वो इस माउंटेन पे फंस गए थे। यानी ओरांग जो माउंटेन है इस पर भारी वर्षा, भूस्खलन, और इसके कारण जो है वो 90 से अधिक जो पर्वतारोही है वो फंस गए थे। इसी कारण ये जो ओरांग माउंटेन है ये चर्चा का विषय रहा था। और हम कहते हैं कि ब्राजील का जो पेट्रोलियम शहर है ओरांग,
इस पेट्रोलियम शहर के कारण ही ये जो भौगोलिक प्रदेश है ये चर्चा में रहा, यानी पेट्रोलियम जो शहर है इस पेट्रोलियम शहर में ही ओरांग माउंटेन रेंज क्या है अवस्थित है, और ये ओरांग माउंटेन रेंज जो रियो डी जेनेरिया जो शहर है उसके पास क्या है अवस्थित है, यानी ब्राज़ील का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा, रियो डी जेनेरिया, उसके पास जो है पेट्रोलियम शहर है और वहाँ पे जो है वो कौन सा, ओरांग माउंटेन अवस्थित है। और ये जो ओरांग माउंटेन है ये भूस्खलन, भारी वर्षा और हम कहते हैं बाढ़ के कारण जो है वो चर्चा और परिचर्चा में रहा था। अगर हम बात करें मोरक्को, तो मोरक्को जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है, और अफ्रीका महाद्वीप में जो मोरक्को जो क्षेत्र है यहाँ पे एक पर्वत है और अफ्रीका का एकमात्र वलित पर्वत है जिसे बोलते हैं एटलस। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनिशिया आदि देशों में अवस्थित है, और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है किलिमंजारो। तंजानिया देश में किलिमंजारो अवस्थित है। भूमध्य रेखा के पास स्थित एकमात्र ऐसा पर्वत जो हिमरेखा रखता है किलिमंजारो। दूसरा अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनेशिया महाद्वीप के ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्वी तट पर अवस्थित है जिसे बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो कोस यूस की है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ओशिनेशिया महाद्वीप में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और इसकी जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कोस यूस की है, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्वी तट पर अवस्थित है। और चिली में जो दक्षिणी अमरीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एकाकागुआ जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है, इस विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पर एंडीज पर्वतमाला में ये दक्षिण अमेरिका, और इसमें विश्व की सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला है, और इस एंडीज पर्वतमाला में चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर एकाकागुआ जो है वो क्या है, चोटी स्थित है। तो ये हो गया हमारा ओरांग माउंटेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुराना धाम किस राज्य में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात और सिक्किम, और इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा बिहार। बिहार में पुराना धाम क्या है अवस्थित, और ये चर्चा और परिचर्चा में क्यों है, क्योंकि ये जो है ये सीताबाड़ी में अवस्थित है। बिहार के कहाँ पे है, सीतामंडी में अवस्थित है, और सीतामंडी जो है यानी पुराना धाम है, यहाँ पे माना जाता है, पौराणिक गाथाओं में माना जाता है कि सीता की जो जन्मभूमि है वो कहाँ पे है, पुराण धाम में अवस्थित है, जो सीतामंडी में क्या है अवस्थित है। और सीतामंडी कहाँ पे, बिहार में अवस्थित है, और बिहार सरकार ने भारतीय या केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को ये बात कही कि आप इस पुराण धाम को किस में शामिल करो, स्वदेश दर्शन में क्या करो, शामिल करो। स्वदेश दर्शन जो है उस स्वदेश दर्शन में इसको क्या किया जाए, शामिल किया जाए। और जैसे ही बिहार सरकार ने ये मांग रखी तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इस बात को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, यानी पुराना धाम जो है वो सीता के जन्म से संबंधित है, और इसे जो है ना क्या किया गया, स्वदेश मिशन के तहत जो है वो इस योजना में क्या क्या शामिल किया है। तो हम कहते हैं कि पूरे भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने राम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण स्थान है उनको लोगों को प्रदर्शित करने के लिए, उन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए, पर्यटन क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने के लिए इस परियोजना का क्या क्या प्रारंभ किया, और इसीलिए इस भौगोलिक प्रदेश को या हम कहते हैं पुराना जो धाम है इसको इस प्रदेश में क्या क्या है, इस सर्किट में क्या क्या है शामिल किया। एक तो हमें ये याद रखना है। दूसरी हम बात करते हैं भाई भारत के सबसे महत्वपूर्ण जो पर्यटक स्थल है वो कहां पे है, हम कहते हैं हिमाचल प्रदेश, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, यमुनोत्री हो,
गंगोत्री हो, ये सबके सब जो हैं वो कौन से हिमालय में, तो हम कहते हैं महान हिमालय में है, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय में अवस्थित है। और किस राज्य में, तो हम कहते हैं हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश में ये महत्वपूर्ण जो है वो पर्यटक स्थल माने जाते हैं। गुजरात में द्वारिका, द्वारिका जो है श्री कृष्ण से संबंधित, वो गुजरात में अवस्थित है। और सिक्किम जो है वो जो है उत्तरी पूर्वी जो भारत है उसका महत्वपूर्ण, हम कहते हैं गोवा के बाद में भारत का सबसे छोटा जो राज्य है वो क्या है, सिक्किम। और सिक्किम की जो राजधानी है वो है गंगटोक। और हमें यह भी पता है कि सिक्किम में भारत की हिमालय में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो हिमालय में भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं, किस किस क्षेत्रों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। और हमारे सामने ऑप्शन है कला, समाज सेवा, नवाचार, संस्कृति और वीरता और उपयुक्त सभी। तो हम कहते हैं कि ये जो उत्तर है ये आएगा उपयुक्त सभी, यानी सभी क्षेत्रों में, कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, हम कहते हैं नवाचार के क्षेत्र में और संस्कृति और वीरता के क्षेत्र में 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इन बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार क्या किया जाता है, दिया जाता है। और ये जो है इसमें एक पदक दिया जाता है, 1,00,000 रुपए दिए जाते हैं और एक जो है वो प्रमाण पत्र दिया जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जिन बच्चों ने इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट या असाधारण कार्य किया है उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार क्या किया जाता है, दिया जाता है। और ये मुख्य रूप से उम्र वाली जो बात आपको याद रखना है, 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों जिन्होंने असाधारण कार्य किया है उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं, किस दक्षिणी भारतीय राज्य ने अपना कृषि बजट पेश किया। और हमारे सामने पहला ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश। और इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। यानी जब केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नए बिल लेके आए थे, जैसे किसानों के लिए आपको पता है कि वो बिल वापस ले लिए गए, लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने किसानों के लिए विधान संसद में नए बिल लेके आए थे, उसके बाद में दक्षिण भारत का तमिलनाडु राज्य जो है उसने दक्षिणी भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिन्होंने कृषि से संबंधित अपना प्रथम जो है वो क्या क्या बजट पेश किया है। और यहाँ के जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो हैं वो कौन से है, पनीर सेल्वम जो हैं उन्होंने ये जो कृषि बजट है वो क्या क्या पेश किया। यानी कहने का अर्थ तमिलनाडु के कृषि और किसान कल्याण मंत्री पनीर सेल्वम जो है उन्होंने तमिलनाडु का पहला जो है वो कृषि बजट जो है वो क्या किया है, पेश किया है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो एम के स्टालिन जो है वो तमिलनाडु के क्या हैं, मुख्यमंत्री है। उनके निर्देशन पर ही यहाँ के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो है वो MRK पनीर सेल्वम जो है उन्होंने ये बजट क्या क्या पेश किया है। अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे आर्थिक बजट के साथ ही ये जो बजट वाला कार्य वो अलग होता है। और पहली बार उन्होंने कृषि को क्या क्या है अलग बजट के रूप में क्या क्या पेश किया। तो कौन सा राज्य होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं, बहुराष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास मिलन कहाँ आयोजित होगा। हमारे सामने ऑप्शन है विशाखापट्टनम, कोची, गोवा और कच्छ। अगर हम सही बात करें तो ये जो होगा ये कहाँ पे होगा, विशाखापट्टनम होगा। यानी मित्र राष्ट्र जो है इन मित्र राष्ट्रों के साथ जो है ये संयुक्त नौसेना अभ्यास क्या किया जाता है, किया जाता है। और इस बार का जो 11वां संस्करण जो है वो कहाँ पे आयोजित होगा, तो हम कहते हैं फरवरी में
25 फरवरी में विशाखापट्टनम में आयोजित होगा और इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी 1995 से की गई। और इस बार जो है वो कितने देश मित्र राष्ट्र इसमें भाग लेंगे, तो हम कहते हैं 46 मित्र राष्ट्र जो है 46 मित्र देशों को जो है आमंत्रित किया गया। यानी विशाखापट्टनम में 25 फरवरी से जो मिलन जो है, या हम कहते हैं मिलन राष्ट्रीय नौसेना जो अभ्यास है, वो क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। 1995 से प्रारंभ हुआ था, इस बार 10 हो चुके हैं, इस बार 11वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। और कितने मित्र राष्ट्र भाग लेंगे, तो हम कहते हैं 46 मित्र राष्ट्र जो है वो इसमें क्या लेंगे, भाग लेंगे। और ये जो है ये द्विवार्षिक जो है द्विवार्षिक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। द्विवार्षिक यानी दो वर्षों से होने वाला बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास कौन सा है, तो हम कहते हैं मिलन है। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं, भारत के किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। और हमारे सामने ऑप्शन है आइजोल, इंदौर, रांची, गंगटोक। और इसका सही ऑप्शन जो होगा, सही उत्तर जो होगा वो इंदौर होगा। इंदौर यानी कौन से राज्य में, तो हम कहते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर राज्य को ये वाटर प्लस जो है वो शहर क्या किया गया, घोषित किया गया। और हम कहते हैं स्वच्छता जो सर्वेक्षण है 2021, इस स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इन्होंने ये जो रैंक है ये क्या किया, हासिल किया। और ये रैंक किस क्षेत्र में दी जाती है, कि ऐसे जिले या ऐसे शहर जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने ODF डबल प्लस के अंदर सर्वोच्च स्थान जो है वो प्राप्त किया, या उन्होंने अपने अग्रिम जो स्थान है वो क्या क्या प्राप्त किया। यानी कहने का अर्थ ये है कि आवासीय व्यावसायिक प्रतिष्ठान उनसे निकलने वाला जो अवशिष्ट पदार्थ है उससे रिसाइकिल करके स्वच्छ करके वातावरण में छोड़ा है। दूसरा कि खुले में शौच करने की जो संख्या है उसको घटाई है यानी शून्य की है। और इस कार्य में जिन भी शहरों ने बढ़िया काम किया है उन्हें जो है वाटर प्लस का जो ये मार्का है ये क्या किया जाता है, घोषित किया जाता है। यानी स्वच्छता श्रेणी में उनको ये जो वाटर प्लस शहर क्या किया जाता है, घोषित किया जाता है। तो इसमें सर्वोच्च जो कार्य किया, यानी कुल कितने शहरों को शामिल किया गया था, कुल जो है वो लगभग 84 जो शहर थे इन शहरों ने इस लिस्ट में स्थान बनाने की कोशिश की, लेकिन अंतिम जो लिस्ट थी उसमें 33 शहरों को ही क्या किया गया, शामिल किया गया। और इन 33 शहरों में सर्वोच्च जो स्थान प्राप्त किया है वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने क्या किया है, प्राप्त किया है। यानी वाटर प्लस शहर का जो दर्जा है वो किसे प्रदान किया गया, तो हम कहते हैं इंदौर को प्रदान किया गया। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं, और वो है भारत ने कितने अक्षय ऊर्जा उत्पादन का पड़ाव पार कर लिया है। हमारे सामने ऑप्शन है 100 गीगावाट, 200 गीगावाट, 146 गीगावाट और 300 गीगावाट। अगर सही बात करें तो महत्वपूर्ण स्थिति है कि भारत जो है वो 100 गीगावाट जो है वो अक्षय ऊर्जा उत्पादन का जो महत्वपूर्ण पड़ाव है वो क्या कर लिया, पार कर लिया। यानी कहने का अर्थ है नवीनतम ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से भारत ने ये जो स्थान है 100 गीगावाट ये स्थान प्राप्त किया। अगर हम बात करें हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत, अगर अक्षय ऊर्जा प्लस जल विद्युत दोनों को शामिल करते हैं तो ये जो पड़ाव है ये 146 गीगावाट हो चुका है। अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि जल विद्युत, सौर ऊर्जा और जल विद्युत को मिलाते हैं तो भारत जो है वो कितने में गीगावाट बिजली उत्पन्न करते हैं, 146 गीगावाट बिजली उत्पन्न करता है। अब हम बात करते हैं कि भारत जो है ये अक्षय ऊर्जा में विश्व में चौथा स्थान रखता है। यानी संपूर्ण विश्व में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, चौथा है। दूसरा हम बात करते हैं सौर ऊर्जा में, सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत जो है विश्व में पांचवा स्थान प्राप्त करता है। और तीसरा जो है वो पवन ऊर्जा, पवन
ऊर्जा उत्पादन में भारत जो है वो विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त करता है, चौथा स्थान प्राप्त करता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि भारत जो है अक्षय ऊर्जा में चौथा स्थान विश्व में, सौर ऊर्जा में पांचवा, पवन ऊर्जा उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। तो हमारे लिए ये तथ्य है बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा पांचवा चौथा, और भारत ने अक्षय ऊर्जा में 100 गीगावाट, अगर हाइड्रो पावर या जल विद्युत को मानते हैं तो 146 गीगावाट जो है वो विद्युत का उत्पादन कर रहा है। यानी कहने का अर्थ ये है लगातार जो भारत है वो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इनके माध्यम से भारत लगातार विद्युत का उत्पादन अधिक से अधिक कर रहा है। और लगातार कमी जो है वो किसकी हो रही है, तो हम बोलते हैं किसकी, तापीय ऊर्जा की उत्पादन में हम लगातार कमी कर रहे हैं और इनके उत्पादन में हम क्या कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं। और आने वाला जो समय होगा वो भारत के विकास का समय होगा। तो आज की क्लास में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।